Happy birthday to you. Happy birthday. कुबेर आले मोहम्मद का हाथ लगवाओ. Happy birthday. ओके बेबीज, आपको पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? डू यू नो अबाउट दैट? आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं पता. हाँ जी. अगर ओके एक साइड पे चलें. टेक योर साइड. नो, इट्स अ सरप्राइज. नो, मुड़ेंगे तो हमें सारा पता चल जाएगा. ओके चलो देखते हैं फिर आप लोगों को आज क्या सरप्राइज मिलता है. यहां, यहां, गाड़ी यहां भी मुड़ सकती है. अम्मा ये देखो, गाड़ी वहां यहां भी मुड़ सकती है. और ये कहां खुले आम रोड के बीच में चल रही है. रोड के बीच में नहीं चल रहा. ये वाला पागल है, जरूर कर के लूंगा. कौन दिया मैंने, कौन दिखाया? क्या हो गया? लगे हुए हैं क्या? चलो चले गो चले. जी फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं कुमेल के बर्थडे का केक लेने. और मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ कि लोग सुने ना, क्योंकि इनको अभी तक बिल्कुल कोई पता नहीं है. बच्चे सारे दिन वेट करते रहे. आज हमारा था कि हम कुमेल की फुल अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट ये हुआ कि इसके बाबा को किसी काम से जाना पड़ गया गाँव. तो सारा प्लान हमारा आज का हो गया है कैंसिल. तो फिर मैंने सोचा, आपको बच्चे हैं ना, आपको पता तो है, ये लोग लगे हुए थे. वैसे तो मैंने कहा कि कुमेल को कि तुम्हारी बर्थडे हम दो तीन दिन जो है वो करेंगे, आज भी कल भी परसों ऐसे करके. तो आज की बर्थडे में केक ऐड नहीं है, बट फिर भी बच्चे थे. तो फिर मेरे अचानक माइंड में आया कि केक स्पेशल मंगवाना था मैंने, और वो क्योंकि लाने वाला कोई नहीं था अभी, तो वो फिर मुझे आज के लिए डिले करना पड़ा है. और ये मेरे बच्चे जो हैं वो जमन फज बहुत शौक से खाते हैं लेयर्स का, वो तो अवेलेबल नहीं है. यहाँ बड़ी अच्छी एक बेकरी है मलवा, तो वहाँ मैं इनको लेके जा रही हूँ. वहाँ से मैं फिर मैंने टेस्ट किया, उनका केक भी अच्छे हैं, फ्रेश हैं. वहाँ से लेते हैं केक और देखते हैं फिर इन लोगों का कैसा रिएक्शन होता है जब इनको पता चलेगा कि हम लोग केक लेने जा रहे हैं. मेरे साथ रहिएगा. और मैं देखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ अक्सर वीडियो बनाना. अब ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ पहुँच के भूल जाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहे. चलें आराम से. जब सब ना सड़क करनी है आराम से क्रॉस. किस साइड पे? मैं बताती हूँ. उधर उधर हाँ चलो 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 चलो. पता हम लोग क्या करने जा रहे हैं? केक लेने. आले मोहम्मद, यस केक लेने जा रहे. कौन से वाला ले? ये वाला, छोटे बच्चों वाला ले रहे. पीस पीस वाला. क्या फिर वो कह रहे हैं? ये छोटे बच्चों वाले ले रहे. ये वाला केक खाने. अनु केक तो खाने. जी तो केक लेके आ गई मैं घर. केक मैंने फ्रिज में रख दिया. उसके बाद मैंने सोचा कि साथ कुछ बच्चों के लिए बना लूँ. मैंने कुछ स्टांटीज और बिस्किट्स वगैरह वहीं से ले लिए थे बेकरी से. साथ केक ले लिया था वहीं से. मैंने उनके बाबा को कॉल की थी, उन्होंने वहीं से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे. उसके बाद मैं हम लोग घर आए. अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से समोसे बना लूँ. और ये जी को मैं हुसैन और सकीना ने सारी डेकोर की है. ये बच्चों का डेकोर है, मैंने बिल्कुल देखा भी नहीं मैंने. अच्छा सर, मैंने सोचा कुछ समोसे बना लूँ, कुछ स्पेगेटी वगैरह साथ बना लूँ. अच्छा, समोसों का ये है कि मैंने इसकी फूड रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है. वैसे भी रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी. और ये बहुत मज़े के बने थे. ये तो आप रेसिपी, आपको पता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती. मेरे से जो गलती होती मैं बता देती हूँ, बट ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है. आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है? और उसके बाद स्पेगेटी, तो मैं मास्टर हूँ स्पेगेटी में. मैं मास्टर हूँ चाइनीज़ बनाने में, मास्टर होती हूँ. बाकी चीज़ों में मुझे ये होता है कि मैं सीख लेती हूँ, बना लेती हूँ, अच्छी बनती है, पर स्पेगेटी में मैं मास्टर हूँ. और ये दोनों रेसिपीज़ मैंने अलग अलग शेयर कर दी हैं अपने YouTube चैनल पे. ये आपने जाके देख लेनी है. बाकी क्योंकि मैं अब अगर यहाँ आपको फूड रेसिपी देती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी. और ये बिल्कुल अनप्लैंड है बर्थडे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. और कुमेल को जिसको हमने नाम दिया है नकली बर्थडे, कुमेल ने इसको नाम दिया है कि ये नकली बर्थडे है.
असली बर्थडे में अपने बाबा के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ करूंगा। तो वो भी हम दो चार दिन में प्लान कर रहे हैं, इनके बाबा आ जाए उसमें प्लान करते हैं, तो वो भी आपसे जरूर शेयर करूंगी। बल्कि हम प्लानिंग करेंगे मिलके कि कैसे वीडियो हमें कहाँ इसकी बर्थडे करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी ये है कि बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, आपसे वीडियोस शेयर करके, और ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी की रूटीन में ये रूटीन भी शामिल हो गई है कि अपनी डेली लाइफ को, अपनी रैंडम लाइफ को आपके साथ शेयर करना। तो ये जो छोटी सी टेबल सजाई थी मैंने, जबकि मेरे पास कुछ ऐसा ख़ास था नहीं है, बाबा इनके नहीं होते, तो फिर मैं बिल्कुल जो है ना वो ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बस फिर बच्चों को खुश करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, और देखिए आपको मैं उनकी ऐसी बात छुटी हुई है। Clapping. आई होप आपको ये छोटा सा बर्थडे व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरी रैंडम लाइफस्टाइल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। ये छोटी छोटी खुशियां जो हम बच्चों को देते हैं शायद हमारे लिए अहमियत नहीं रखती, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो किसी भी अपने मोमेंट को ज़ाया ना किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।